प्रिय दोस्तों, मित्रों, व्यापारी बंधुओं, कैसे हो आप? मैं तो यही आशा करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। प्रिय दोस्तों, मित्रों, एक हमारे साथी हैं और वो कहते हैं कि दुकान में जो है उधारी से कैसे बचा जाए। उधार के लिए कस्टमर बहुत परेशान करते हैं और उधारी से बचा कैसे जाए। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो है देखा गया है कि जो ग्राहक उधारी लेते हैं और सबसे सर्वप्रथम उधार मांगते हैं, ये जान लीजिए कि आज के दौर में जिसको देना नहीं है वही आपसे उधार मांगेगा। जो सही कस्टमर हैं, जो सही ग्राहक हैं, वो ज़्यादातर आपसे कैश ही खरीदारी करेंगे जो है। लेकिन इसमें कुछ मजबूर लोग होते हैं, कुछ परेशान लोग होते हैं, जिनकी मजबूरी होती है, जिनकी परेशानी होती है, वो मजबूरी और परेशानी के बिना पे आपसे उधार लेना चाहते हैं जो है। लेकिन जो है जब वो उधार ले लेते हैं तो आप दे देते हैं, तो जब उनको देने का टाइम आता है तो उनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। कभी उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी उनके बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो एक बहाना होता है और उसी बहाने में जो है वो अपना काम करते जाते हैं और आपको जो है इसे करते कहते जाते हैं जो है। तो देखिए, जो नहीं देने वाला कस्टमर रहेगा ऐसे ही बहाना करेगा, ऐसे ही बहानाबाजी करेगा और आपको पैसे नहीं देगा। और एक चीज़ ये भी है कि उधार से जो बचा उसका कारोबार कामयाब हो गया और जो दुकानदार उधार आँख मूंद करके उधार पे उधार देते गया उसकी दुकानदारी तो 100% जो है टूट जानी है, उसकी दुकानदारी कमज़ोर हो जानी है और जो उधार लिया वो फिर रास्ता बदल देता है, दूसरे रास्ते पे चल जाता है, आपके दुकान के सामने जाता नहीं है, आपके सामने आता नहीं है। ये सारी उधार में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो सर्विस वाले होते हैं, जो नौकरी पेशा होते हैं, जिनके पास महीने में सैलरी मिलता है। कुछ ऐसे मिस्त्री मजदूर टाइप के होते हैं जो कल कारखानों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, जिनको पगार 15 दिन पे मिलता है, हफ्ते पे मिलता है और वो मजबूर होते हैं, उधार लेते हैं तो देते भी हैं। लेकिन आपको सर्वप्रथम उधार से बचने के लिए जो नए ग्राहक हैं, आप तो उनसे, अगर नया ग्राहक आपसे कोई मांगे उधारी तो आप उनसे सीधे जो है कह दीजिए कि भाई अभी मैं आपको उधार नहीं दे पाऊँगा, अभी आप हमारे यहाँ नए हैं, मैं अभी आपको उधारी नहीं दे पाऊँगा। उनसे हाथ जोड़ लीजिए, उनसे जो है माजरत तलब कर लीजिए, ठीक। लेकिन जो है अगर आपको उधार देना हो तो एक चीज़ है, देखिए जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं वो उधार कैसे देते हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो ख़रीदारी करने जाएंगे तो आप जब 6 महीना ख़रीदारी कर लेते हैं, साल भर ख़रीदारी कर लेते हैं, तब जो है आपको उधारी मिलता है। इसी तरह से आप देखिए कि जो कस्टमर आपके शॉप पे 10 मरतबा आया और हर समय आ रहा है और कैश पेमेंट की ख़रीदारी कर रहा है जो है, अब जैसे कोई कस्टमर है महीने में 2 बार आ रहा है, 2,000 रुपये का कपड़ा ले रहा है और कस्टमर जो है लेते 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 कपड़ा आपसे जो है 50,000 रुपये का, 60,000, 1,00,000 रुपये का कपड़े की ख़रीदारी वो कर चुका है। तो अगर 50,000-60,000 रुपये की कपड़े की ख़रीदारी कर चुका है तो ऑलरेडी आप जो है उससे 5,000-6,000 रुपये आमदनी आप उससे कर चुके हैं। तो ऐसे ग्राहक को, जिस ग्राहक से आप कुछ आमदनी कर चुके हैं, उस ग्राहक को आप 10% उधारी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई ग्राहक आ रहा है और आता गया 6 महीने में जो है आपसे 50,000 रुपये की ख़रीदारी वो कर लिया, 50,000 रुपये में आपको 5,000 रुपये का बेनिफिट उस ग्राहक से हो गया, तो उस ग्राहक को 10% 15% उधारी आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो है आप उससे कमा चुके हैं और उसकी मजबूरी भाई भी है। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी दूसरे यहाँ जाएगा, कहीं से लेगा,
और ले लेगा जो है, और दूसरा उसको दे भी देगा। तो जिससे आप जो है दो चार, सर्वप्रथम तो उसको कहिए कि भाई आप अभी हमारे यहाँ नए हैं और मेरी भी शॉप नई है, आप कुछ दिन तक खरीदारी करिए, तभी जो है आपको मैं उधारी दूंगा जो है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ग्राहक जिसको जो है, जो लेने देने वाला ग्राहक होता है, जिसको उधारी लेना है और देना है, तो सबसे पहले तो आपसे नगद ही खरीदारी करेगा, अपने गुडविल को, अपने व्यवहार को बनाएगा, तो जो है आपसे उधारी की डिमांड करेगा जो है। और जो लोग नहीं देने वाले होते हैं और जिनको आपसे उधार लेके रास्ता बदल देना है, जिनको आपसे उधार लेके गली बदल देना है, आपसे आपके सामने नहीं आना है, वो जो है आपसे सर्वप्रथम जो है एक मर्तबा आएंगे, पहले ही मर्तबा जो है आपसे बात करने लगेंगे उधारी के लिए जो है। ऐसे ग्राहक को कदापि जो है आप उधारी न दीजिएगा जो सर्वप्रथम पहले ही आकर के जो है आपसे उधारी ले रहे हैं। हाँ, कोई ग्राहक है जो कि आपसे बार बार आपके शॉप पे आ रहा है, और आपसे जो है 2-2 हज़ार करके, 2.5-2.5 हज़ार करके, 3-3 हज़ार करके, 5-5 हज़ार करके, 10-10 हज़ार करके खरीदारी कर रहा है, तो आप उसे उधारी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, आपके पास हर समय आने वाला है, और वो सर्विस वाला कस्टमर है, उसका पगार, उसकी उसको पेमेंट जो है मंथली में मिलता है, तो उससे जो है आप आसानी से जो है पा सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग उधारी के लिए कहते हैं कि गारंटर जो है रखना है, या फिर जो है उनसे चेक लीजिए, या फिर कुछ उनसे जो है ले कर के दीजिए। देखिए, अगर किसी भी ग्राहक से कहिएगा कि आप हमें ब्लैंक चेक दे दीजिए तो मैं आपको उधार दूंगा, आप मेरे यहाँ कुछ गिरवी रख दीजिए तो मैं आपको उधार दूंगा, देखिए ये सब बातें जो है बहुत कम लोग जो है तैयार होंगे, और फिजूल की बात हुई और कोई तैयार नहीं होगा। देखिए, गारंटर और जो है कुछ रख करके उधार लेना, या फिर चेक वगैरह दे करके उधार लेना, ब्लैंक चेक वगैरह दे करके उधार लेना, ये जो है चीज़ बड़े जगह पे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब कि बड़ा मतलब काम है जो है, आप किसी बड़े दुकानदार के पास गए जो है, आपको 1-2 लाख रुपए की खरीदारी करना है, या फिर जो है 50,000, 25,000, 40,000 की उधारी लेना है, तो उसके यहाँ जो है ये सब अगर कहेंगे आप तो चल सकता है। अब जैसे सोनार के दुकान पे जो है, अगर सोना आपको ख़रीदना है तो सोनार अगर कहेगा कि ब्लैंक चेक दीजिए तो आपको कुछ समझ में आएगा और कोई देने वाला दे देगा। लेकिन जो है अगर छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो है कपड़े के दुकानदार हैं, किराना के दुकानदार हैं, और चाय बेचने वाले हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं, ये सब जगह पे जो है कोई आपको जो है कुछ रख करके आपसे उधारी नहीं लेगा जो है, आपके पास ही नहीं आए। और किसी भी ग्राहक को 100 में 100% उधारी देने का नियम ये न बनाइए, आप अपना नियम ये बनाइए कि मैं आपको 20% दे दूंगा, आपको 25% दे दूंगा, हैं। तो इससे ये है कि कुछ उनसे नगद लीजिए, कुछ आप उनको दीजिए। अच्छा देखिए, कभी कभी ये होता है कि अगर आप चाहेंगे कि एकदम हम उधार ही बंद कर दें, उधार ही न दें, तो ये भी दुकानदारी में नहीं चलेगा जो है। ये दुकानदारी में ये ऐसा एक सिस्टम है कि कोई ना कोई कस्टमर, कोई ना कोई ग्राहक मजबूर हाल आएगा जो है, जो कि आपसे हर समय नगद खरीदता है और मजबूर हाल है, उसके पास कोई ऐसा काम आ गया, कोई ऐसा अर्जेंट वैसा सिस्टम हो गया कि वो मजबूरी में आपसे मांगेगा, तो जब मजबूरी में आपसे मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे, आपके बगल वाली शॉप पे जाएगा, वहाँ कहेगा, वहाँ से पा जाएगा, अगर वो भी नहीं देगा तो उसके बगल वाली शॉप पे जाएगा, कोई ना कोई उसका भला करेगा, कोई ना कोई उसको देगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप ग्राहक को परखिए, जो ग्राहक सबसे पहले उधार मांगे उनको एकदम न दीजिए, जो ग्राहक आपसे जो है 10-20 हज़ार रुपये की खरीदारी करके उधार मांगे उनसे आप 10%, 15% के लिए राजी होइए, पूरे में पूरा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई 5,000 रुपये का कपड़ा ले लिया, तो उससे कहिए कि भाई आप हमारे ग्राहक हैं, आप हमसे हर समय खरीदारी करते हैं, और आपको मान लीजिए कि 5,000 का कपड़ा है तो आप हमको 2-2.5 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए,
और 2-2.5 हज़ार जो है नेक्स्ट में जो है आप जो है दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उधारी जिसको भी दीजिए, सबको तो पहले उधारी देना नहीं है, और जिसको भी दीजिए, जो सर्विस वाले हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास है उनको दीजिए, और एक समय मुकर्रर कर दीजिए कि भाई हमको 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट चाहिए। देखिए अगर आप उससे वादा लेंगे, अगर वादा वो नहीं भी तोड़ेगा भी, आपको 60 दिन में पेमेंट नहीं भी करेगा, तो भी एक आपकी बात रह जाएगी कि मैंने आपसे वादा किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं 60 दिन में दे दूंगा, और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे 60 दिन के अंदर अंदर दे दीजिएगा, अगर नहीं दीजिएगा तो मेरा नुकसान होगा, मुझसे जो पार्टियां माल देती हैं वो मुझसे जो है फिर फ़ायदा लेती हैं, तो फिर मैं भी जो है मजबूर हो जाऊँगा।